नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। आजमगढ़ रानी सराय में गरीब परिवार के ऊपर FIR दर्ज, खबर आ रही है आजमगढ़ से। आइए बताते चले, खबर है उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ थाना रानी की सराय क्षेत्र के अंतर्गत दीपक प्रजापति व राहुल प्रजापति पुत्र श्री कल्पनाथ प्रजापति ग्राम मितसेनपुर मोहम्मद लाल थाना रानी की सराय आजमगढ़ का स्थायी निवासी है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र से परास्नातक किए हैं, जो दीपक नेट JRF प्रोफेसर की तैयारी करता है और मेरा भाई राहुल राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ से पॉलिटेक्निक की तैयारी उक्त तिथि के 2 दिन पहले से नानी के यहाँ गए थे। नानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और 2 दिन बाद घर आए। रविवार को मैं घर आया तो मुझे घटना की जानकारी हुई, तो जल्दबाजी में हमने जमानत करवाई। इसके बाद इससे बचाव के लिए जन सुनवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पर जानकारी दी, लेकिन कोई इस हमसे पूछताछ करने नहीं आया। तथा घटना के 4th दिन हरिकेश अपने हाथ पर प्लास्टर लगवाया, फिर लगभग 2 महीने बाद प्लास्टर निकलवाया और 5 जनवरी 2020 को FIR करवा दिया और तब से मैं परेशान हूँ। हरिकेश पहले से धमकी भी दिया था कि मैं तुम्हें फंसा दूँगा, जिसमें हरिकेश प्रजापति पिता हरिराम प्रजापति का FIR तो दर्ज हो गया, परंतु गांव के रहने वाले प्रेमशिला सुषमा संगीता कई लोगों का कहना है कि राहुल प्रजापति दीपक प्रजापति को फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। वहीं गाँव के रहने वाली प्रेमशिला प्रजापति का कहना है कि हरिकेश प्रजापति बराबर दारू पीते हैं, जिससे दीपक प्रजापति अपने गुहार के लिए इधर उधर ठोकर खाते हुए परेशान हैं। सुनिए दीपक प्रजापति ने क्या कहा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक प्रजापति है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का MSc का छात्र रहा हूँ। 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ था। तो एक गांव में कुछ गुट बन गया है और एक गुट बन गया है तो एक गुट वाले जो हम लोगों को फंसाने के लिए ये अपना मारपीट कर लिए और हम लोग उस दिन थे भी नहीं। ये जो मार हुई थी ये मतलब इसके पहले भी ये मार खा चुके हैं, ये हमेशा मार खाते रहते हैं। जिनका ये हाथ टूटा या जो भी हमारे ऊपर FIR किए हैं, ये जो गुट बना है तो ये लोग चाह रहे हैं कि ये बच्चा कुछ ना कर पाए भविष्य में, और इसीलिए ये लोग अपना मारपीट जहाँ भी करें हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं। उनसे हमारा न कोई खेत का झगड़ा है, न कोई रास्ता का झगड़ा है, कुछ नहीं है, न हम उनके पटीदार हैं, लेकिन ये बस चाह रहे हैं कि ये बच्चा कुछ ना कर पाए और ये अपना मार करेंगे तो हम उसमें क्यों इनके साथ इन्वॉल्व हों। मेरा भाई एक बार इनके भाई को बचाया भी था, एक जगह ते रही थी और वहाँ पे इनके भाई को सब मार रहे थे कुछ यादव लोग, तो ये हमारा भाई बचा दिया। और फिर उसके बाद मेरे भाई से कह रहे हैं चलिए आप बयान दीजिए, अगर मेरा भाई जाके अगर वहाँ बयान देगा तो ये जो दूसरे विपक्ष वाले थे उनके विपक्ष वाले तो मेरे भाई को भी मारते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब कमजोर लोग हैं, हम लोग अपने पढ़ने लिखने वाले हैं। प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और हमने इस ये जो मतलब जब मार हुई थी तो हम उस टाइम घर पे थे भी नहीं, हम अपने नानी के यहाँ थे, उनकी तबीयत गड़बड़ थी, हम अपने माता जी के साथ और अपने भाई के साथ वहाँ गए थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार थी तो हम उन्हें देखने गए थे। तो उसके 2 दिन बाद हम आए, उस दिन संडे था, तो उस दिन हमको जब पता चला तो हमें जब पता चला कि हमारा नाम इसमें आ गया है तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। कौन सा डेट का मामला है, कब का है? 16 अक्टूबर का शायद मामला है इनको, जब लोग जो भी मारा है, हमें इसमें कोई जानकारी नहीं किसी ने इन्हें मारा। ये अपना कहाँ जाके करते हैं, अपना पार्टी करते हैं, जो भी करते हैं, हमें उससे लेना देना नहीं। आपका नाम बताइए, अपना नाम। मेरा नाम दीपक प्रजापति है। पिता का नाम? श्री कल्पनाथ प्रजापति। ग्राम मितसेनपुर। थाना आपका? रानी की सराय। जिला? जिला आजमगढ़। क्या दीजिए? प्रेमशिला प्रजापति। तो क्या ये जो दीपक को बताया जा रहा है कि ये हरिकेश जी को मारे थे, क्या ये झूठ है? वो दारू बहुत पीते हैं, दारू पी के पार्टी करते हैं, इधर उधर दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा पीते हैं, और रास्ते में 12-1 बजे गाड़ी से आते हैं, वो कहीं गिरे हैं, इन लोगों को फंसाने के लिए सब लोग कर रहे हैं। जिस दिन उनको मारा गया है हरिकेश जी को, क्या ये दीपक यहाँ मौजूद थे? नहीं थे, ये अपने नानी के घर गए थे। आपका परिचय? सुषमा प्रजापति। क्या दीपक के साथ जो लगाया गया है मारपीट पे? झूठ है सर, सरासर झूठ है सब। तो क्या दीपक कुछ दिन थे यहाँ पर गांव में? कहाँ पर थे? अपने ननियाल गए थे।
तो दीपक को फंसाया जा रहा है इसमें? बस बिल्कुल फंसाया जा रहा है, वही नहीं मोहल्ले में जितना लोग हम लोग स्वादिष्ट हैं सबको फंसाया जा रहा है, उन्हीं को नहीं हर बात बात ये सब उठना खोज रहे थे। अपना परिचय बताइए। नाम बीना प्रजापति। कहाँ के रहने वाली हैं? आपका थाना? रानीसराय। आप क्या कहना चाहती हैं? वही सर कि जिस दिन इस सब कांड हुआ उस दिन हमारे पति थे नहीं घर पर। कहाँ गए? वहाँ से यूनिवर्सिटी गए हुए थे। उनका क्या नाम? स्कूल के बड़े बाबू हैं। क्या नाम उनका? उनका सुनील प्रजापति नाम है। अच्छा। उनको भी इस केस में फंसाया जा रहा है? हाँ उनको भी फंसाया जा, उन्हीं को तो लगाया जा रहा है। उस दिन वो घटना स्थल पे नहीं थे? नहीं, ये थे ही नहीं वो घर पर। दीपक थे यहाँ पर? कोई बच्चा नहीं था। तो केवल फंसाया जा रहा है। शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहती हैं? हम यही कह रहे हैं कि वो फंसा रहे हैं हम सबको। तो प्रशासन से आप क्या मांग करना चाह रही हैं बताइए? हम यही कह रहे हैं कि उन सबको या सब निर्दोष इन सबको छोड़ दीजिए, बेकसूर हैं। और राहुल अच्छा लड़का है, पढ़ाई लिखाई वो गांव वाले उनको आगे नहीं जाने, उनको नौकरी के लिए वो बहुत उत्सुक कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में हम भविष्य में नौकरी। और उनकी माँ है वो अधिया खेती दे रही है कि हमारे लड़का खेते नहीं जा, अपना पढ़ाई लिखाई करे, पढ़े लिख के आगे आगे वो भविष्य बने अपनी अपनी जो मर्जी है। वो क्या जिस दिन घटना हुई थी क्या वो मौके पे नहीं थे? या नहीं वो मौके पे नहीं थे। अच्छा, तो आपका नाम? मेरा मनसा प्रजापति नाम। कहाँ का रहने वाली हैं आप? मित्र सेनपुर। बताइए माता जी, बताइए नाम बताइए। हमारा नाम संगीता है। कहाँ का रहने वाली हैं? वादीपुर का नवा मित्र सेनपुर में वादीपुर सबका। तो जो दीपक के ऊपर ये मारने का आरोप लगा है क्या ये सत्य है? नहीं गलत है। तो क्या घटना क्या हुई थी उस दिन? वह जोन बतिया बताने की इलाज वहाँ पड़ा था ना, उन्हें न्यूरे रहना। तो ये यहाँ नहीं थे उस दिन? नहीं जी। सर बताइए। सत्य बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं कि ये घटना हुई है? हाँ ये घटना हुई। आपका नाम? वही है जो बताए हैं वही रहे। अच्छा, आपका नाम? राम नागेश्वर। नागेश्वर कहाँ के रहने वाले हैं? यही गाँव के रहने वाले। चलो ठीक, बंद कर। बताइए सर। हाँ मैं गुलाब चंद यादव, पूर्व बीडीसी ग्राम मित्रसेनपुर, थाना रानीसराय, जिला आजमगढ़। हमारे ही गांव के निवासी हैं ये सर, और निवासा पे यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इनके हक हिस्सा के लिए अर्जदार पड़दार हैं और लोग हैं, जलन रखते हैं, बहुत जलते हैं और झगड़ा होती है। और झगड़ा हमेशा होती है। तो क्या ये घटना जो हुई थी ये सत्य है? हाँ ये सत्य है, ये सत्य है। जी सर अपना परिचय बताइए, तेज बोलिएगा। जी हरिकेश प्रजापति। पिता का नाम? हरिराम प्रजापति। ग्राम? मित्र सेनपुर। थाना? रानी की सराय। जिला? आजमगढ़। क्या आपके साथ क्या घटना हुई है? जी मैं सर आ रहा था अपने दुकान से रात को 10:30 बजे, और यही राहुल प्रजापति, दीपक प्रजापति और सुनील प्रजापति, ब्रजेश तिवारी ये लोग पिला खिला करके लोगों को वहाँ लुकाए थे, और अपने भी लोग थे वहाँ पे। मैं जैसे वहाँ टर्निंग से घुमा बाइक लेके अपनी, वहाँ तुरंत लोग मारना शुरू कर दिए जी। मैं अपना जान बचा करके कैसे भी वहाँ से मैं भागा, और मेरा हाथ टूट गया जी बस। ये खास रिपोर्ट है आजमगढ़ से नीरज कुमार प्रजापति की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।